हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लास सिक्स हनीसकल बुक में से चैप्टर फोर एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला की समरी को डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस समरी इज़ अबाउट एन इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। ये जो समरी है चैप्टर की, ये एक इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट यानी कि एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जिनका जन्म इंडिया में हुआ था और उनका नाम है कल्पना चावला, उसके टॉपिक पे ये चैप्टर है। शी वॉज बॉर्न इन करनाल, अ स्मॉल सिटी ऑफ पंजाब। और कल्पना चावला जी का जन्म करनाल में हुआ था, जो कि छोटा सा शहर है पंजाब में। एजुकेशन एंड जॉब, अब हम उनकी एजुकेशन और जॉब को डिस्कस करते कि उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की थी और उनका काम क्या था। शी डिड हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर स्कूल एंड जॉइंड एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उन्होंने अपनी स्कूल टैगोर स्कूल से किया था और उनके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया। फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज शी टुक अ ग्रेजुएट डिग्री इन एज बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन जो 12वीं के बाद जो 4 साल का कोर्स होता है और बहुत कोर्सेज में 3 साल का होता है, हम उसको ग्रेजुएट बोलते हैं। और उन्होंने वो ग्रेजुएट की डिग्री किस चीज़ में ली थी? बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट शी वेंट टू अमेरिका टू गेट अ मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद में अमेरिका गई और अमेरिका में उन्हें मास्टर्स डिग्री मिली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। आफ्टर द PhD शी लर्न टू फ्लाई एरोप्लेन्स एंड बिकेम अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। जब उनको PhD मिल गई, PhD के बाद उन्होंने एरोप्लेन को उड़ाना सीखा और उसके बाद वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन गई। इंस्ट्रक्टर कौन होता है? जो हवाई जहाज को कमांड देता है उसको हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। नाउ शी लुक्ड फॉर नासा एंड बिकम अ रिसर्च साइंटिस्ट देयर। फिर उन्होंने नासा की तरफ अपना झुकाव दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया और वो वहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट बनी। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड एज अ कैंडिडेट टू गो इन स्पेस। और 1994 में उनको चुना गया स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स में से वो एक थी। मैरिज एंड नेशनैलिटी, अब हम उनकी शादी और उनकी जो राष्ट्रीयता है, जो नेशनैलिटी है, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन इंडिया, सो बाय बर्थ शी वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि कल्पना चावला जी का जन्म भारत में हुआ था तो वो जन्म से ही एक भारतीय नागरिक थी। ड्यूरिंग एरोप्लेन ट्रेनिंग शी मैरिड टू एन अमेरिकन जीन पेरे हैरिसन। बाय दिस शी बिकेम अ न्यूट्रलाइज अमेरिकन। और एरोप्लेन ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक अमेरिकन से शादी की जिनका नाम था जीन पेर हैरिसन, और इस हिसाब से वो एक अमेरिकन सिटीजन बन गई, अमेरिकन नागरिक बन गई। स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम को हम डिस्कस करते हैं। हर फर्स्ट मिशन स्टार्टेड इन 1996 बाय कोलंबिया स्पेस शटल। तो उनका जो पहला मिशन था वो 1996 में शुरू किया गया कोलंबिया स्पेस शटल से। देयर शी लिव्ड इन स्पेस फॉर 16 डेज। और उस समय वो अंतरिक्ष में 16 दिन तक रहीं। ड्यूरिंग दीज डेज शी डिड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस एंड मेड 252 राउंड्स ऑफ अर्थ, अ टोटल ऑफ 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और उन दिनों के दौरान उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के प्रयोग किए स्पेस में, और ये करते हुए उन्होंने जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके 252 चक्कर भी काटे। और ये हमारा टोटल होता है 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि बहुत बड़ी दूरी है। हर सेकेंड मिशन वॉज इल फेटेड। और जो उनका जो दूसरा मिशन था वो बहुत ही बेकार था, ख़राब था। तो ख़राब के लिए हमारे पास एक वर्ड है, इल फेटेड का मतलब था दुर्भाग्यपूर्ण। वाइल रिटर्निंग टू अर्थ, जब वो वापस अर्थ की तरफ आ रहे थे, हर स्पेस शटल बर्नड इंटू स्ट्रीक्स इन 2003, किलिंग ऑल 7 एस्ट्रोनॉट्स। तो जो उनका स्पेस शटल था जिनके द्वारा वो पृथ्वी पे आ रहे थे, वो जल गया और उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और ये हुआ था 2003 में, और जिसमें कि जो 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, अंतरिक्ष यात्री थे, 7 की मौत हो गई। हर लाइफ इंस्पायर्स अस टू वर्क ऑन दी गोल। और जो उनका लाइफ है, जो उनके जीवन है, वो हम सबको प्रेरणा देती है कि हमें अपना जो लक्ष्य है, हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर कार्य करना चाहिए। So this was the summary of this chapter. I hope you learned something in this chapter. For the next lesson, keep watching this space.
थैंक यू सो मच एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट लेसन। आज का लेसन अगर आपने एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।